सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखोगे पार्ट 7 में कैसे आप लोग अपनी वीडियोस का जो बैकग्राउंड होता है उसे ग्रीन स्क्रीन के थ्रू कैसे रिमूव किया जाता है काइन मास्टर में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। पैन एंड जूम का जो ऑप्शन होता है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, उसके साथ साथ कलर ग्रेडिंग आप लोग सीखोगे आज की इस वीडियो में, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, वही आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और आई होप आप लोग जो भी अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो भी सीखा है उसे जो है आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, हम लोग काइन मास्टर ऐप के अंदर आ चुके हैं। अब गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एक वीडियो को सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन में बोल रखा हो, क्योंकि हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बैकग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं मीडिया के ऑप्शन पे जाकर। तो गाइज, हम लोग ले लेते हैं ये वाला, ठीक है गाइज। तो गाइज, ये बैकग्राउंड हम लोगों ने आज ले लिया है। अब इसे लेंथ जो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और इसके बाद देखिए गाइज, आप लोगों को जो लेयर का ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पर, लेयर पे क्लिक करिए, और फिर मीडिया के ऑप्शन पे जाके जो भी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है उसे लेकर आ जाइए। तो सबसे पहले ये रही हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो, और इसके बाद इसे थोड़ा सा जूम करेंगे हम, और फिर इसके बाद जो है हम लोग इसे थोड़ा अच्छे तरह से जूम कर देते हैं। तो ये गाइज इतना ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जाइए क्रोमा की पर, और फिर इसके बाद जैसे इसे इनेबल करोगे तो इसने देखिए जितना अच्छा हो सकता था उतना रिमूव कर दिया बाकी, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा और भी आ रहा है, तो हम इसे अच्छे से रिमूव करेंगे। तो 68 पे आप लोगों को नीचे वाली जो लेंथ है उसे हमेशा 68 पे रखो। किस पे रखना है आपको? 68 पे, तो 68 पे कर लेते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला रेशो है वो जो कि आप लोग देखें, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है बाकी जो आप हो, मतलब कि जो आप वीडियोस के अंदर बोल रहे हो, तो आपका जो साइड होगी आप जो वो वाइट वाइट कलर में रखो और बाकी पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। तो ऐसे करने से क्या होगा, आप लोगों का जो काइन मास्टर में रिमूवल है वो अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट कलर ग्रेडिंग जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा, तो अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं कैसा हमारा लुक आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे प्ले कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि भी आप लोग देख रहे हो ये कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और ग्रीन स्क्रीन भी हमारी अच्छे से दिख नहीं रही है। तो ये देखिए बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी बात ये काइन मास्टर में नहीं थी, बस आप लोगों को एडजस्टमेंट इतना अच्छा करना है जिससे कि जो है काफ़ी अच्छे लुके आएगी अभी वीडियो में। तो ऐसे करके आप लोग अच्छा एक जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अब गाइस, आप लोग जाइए लेयर के ऑप्शन पे जो आप लोगों ने वीडियो ऐड करी, तो इसके अंदर आप लोग देखिए सबसे पहले जो मीडिया के ऑप्शन पे फोटो था उस पर क्लिक करो, और फिर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कलर एडजस्टमेंट और यहाँ पर कलर फिल्टर। तो ये है ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग में ये दो दो चीज़ें आपको मिलती है। तो सबसे पहले कलर एडजस्टमेंट में नहीं, ग्रेडिंग पे देखिए, कलर फिल्टर सॉरी, तो कलर फिल्टर पे आप लोगों को अलग अलग फिल्टर मिलता है। तो ये देखिए फिल्टर में कुछ इस तरह का हो गया, फिर ब्लू हो गया बिल्कुल, रेड करना चाहो तो रेड कर लो। ऐसे आप लोग इसके अंदर कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कैमरा अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, तो लाइटिंग के थ्रू मतलब कि सॉरी कलर ग्रेडिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा एक लुक ला सकते हो वीडियो में। तो अभी गाइस हम लोग सबसे पहले कोई भी एक कलर लेते हैं, तो ये कलर हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब इसके बाद आता है कलर एडजस्टमेंट, तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस कम बढ़ा दो इसकी, कम करना चाहो तो बिल्कुल कम, तो इसे बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं। लेकिन अभी आप लोग मान जिसे डार्क लाइट करना है तो वो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी है यहाँ पर, तो इसे भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज ये कुछ ऑप्शन आपको कलर एडजस्टमेंट और कलर ग्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर मिलते हैं। तो ये थी दूसरी चीज़। अब गाइज बात आती है हमारे यहाँ पर जूम एंड पैन की, तो इससे पहले हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। अब इसके बाद देखिए गाइज, आप लोग इस पर क्लिक करो, और फिर इसके बाद जो ये 20 वाला ऑप्शन आ रहा है सीजर के पास, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन आपको क्या रखनी है इस तरह से। तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग पोजीशन, और एंडिंग पोजीशन हम लोगों को रखनी है कि हम लोगों का जो पोजीशन हो वो कुछ इस तरह से शुरू हो, तो ऐसे कर लो या कुछ इस तरह से कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे। तो अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं कैसा लुक आता है। तो ये देखिए प्ले करने के बाद ये धीरे धीरे स्मूथली नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। तो ऐसे पेन एंड जूम की तरफ आप लोग एक फोकस ला सकते हो जिससे आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगे। अब इसे हम लोग थोड़ा कट कर लेते हैं बीचों में से। तो एक और नई चीज़ सीखो आज, तो ये हम लोगों ने कट कर लिया है, हो गया।
अब इसके बाद हम लोग इसके जो साइज है वो हम लोग रहेंगे बिल्कुल कम, और इसके बाद हम लोग इस वाले की ले लेते हैं साइज, इसकी साइज हम लोग रख लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी साइज जो है, इसकी साइज जो है हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसे प्ले करके देखते हैं कैसा लुक आता है। तो ये देखिए गाइज अभी कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, तो ये देखिए अभी हमारा इसे खत्म हो जाते। तो देखिए ऐसे करके आप लोग एक अच्छा प्रोफेशनल लुक भी ला सकते हो, जिससे कि आप लोग कभी वीडियोस बनाओ ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो ऐसे आप लोग इसके थ्रू काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद आता है इस पर वापस क्लिक करो, तो आप लोग मान लीजिए इस पर डबल टैप करो स्क्रीन पे, तो ये देखिए ये यहाँ पर आप इक्वल पे क्लिक करोगे तो इसे इक्वल हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन इक्वल हो जाएगी, और इस पर दोबारा से टैप करोगे तो ये अनइक्वल हो जाएगी। तो इसे जैसे चाहो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ला सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर पैन एंड जूम का ऑप्शन, बाकी कलर फिल्टर मतलब कि कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, और रिमूव जो है बैकग्राउंड बहुत लाइटली करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिए, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो। तो गाइस उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई होप आप लोग यहाँ पे सीख गए होंगे कैसे कलर ग्रेडिंग की जाती है, कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, और कैसे पैन एंड जूम को जो है सही इस्तेमाल में आप लोग कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो पार्ट 7 में सीख रहे हो, जो भी अभी तक सीखा है उसे गाइस प्लीज आप लोग इम्प्रूव करो, थोड़ा इम्प्लीमेंट करो अपने आप में, तभी बेहतर बनोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। कोई मतलब नहीं है मेरी इस मेहनत का, कोई मतलब नहीं है मेरे इस कोर्स को लॉन्च करने का, वो भी यूट्यूब पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इम्प्लीमेंट आप लोग करिए, और काफी अच्छी नॉलेज आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा मिलती है। और गाइस आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे पार्ट 8 में, और आप लोगों को जो है इम्प्लीमेंट करने को आज जो दिया है उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।